नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे बॉयंसी और बॉयंट फोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। तो हम लोग प्रेशर वाला पार्ट पढ़ रहे थे पिछले पार्ट में। हम लोग ने प्रेशर जो एग्जर्टेड बाई ए सॉलिड बॉडी हम लोग ने पढ़ा था, ओके। और इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे फ्लूइड के द्वारा कैसे प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो फ्लूइड क्या होता है? तो जितने भी तरह के लिक्विड और गैस होते हैं उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं, ओके। तो जितना भी आपके सामने जो पानी हो गया, एयर हो गया, ये जितना है ये सब फ्लूइड के कैटेगरी में आता है। लिक्विड और गैसेस जितने भी हैं उस सबको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो कोई भी सॉलिड है तो वो किसी सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। क्यों एग्जर्ट कर रहा है? क्योंकि उसमें उसका वेट है, ओके, वेट के कारण करता है। उसी तरह से जितना भी फ्लूइड है वो भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा ड्यू टू इट्स वेट। अब फ्लूइड है तो उसको हम लोग किसी ना किसी कंटेनर में रखेंगे। तो जिस कंटेनर में रखेंगे तो उसके सभी सरफेस पे, जिस कंटेनर में, जैसे ग्लास ऑफ वाटर है, ओके। अब वाटर के जो पूरा जो इतना सरफेस आ रहा है, ये वाला साइड वाला सरफेस हो गया, ग्राउंड नीचे वाला जो सरफेस हो गया और ये साइड का सरफेस हो गया, ये सब पे प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा, ओके। और जो प्रेशर है ये सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर लगेगा। हालांकि ये एक छोटा केस है, अगर ये बहुत बड़ा चीज होता तब वहां पे प्रेशर वेरी कर जाता है। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पे हम लोग बात करें, जैसे ग्लास ऑफ वाटर एक स्मॉल स्केल हो गया, इस पे अगर हम लोग बात करें तो जितना भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इसके वॉल्स पे और ग्राउंड पे, तो सब जगह बराबर बराबर प्रेशर एग्जर्ट होगा, ओके। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, और उसमें एक पीस ऑफ थर्माकोल, ये मेरे पास एक थर्माकोल है, इसको इसमें हम डालते हैं। तो आपको पता ही है ये तैर जाएगा, ठीक है। मैंने डाला और ये तैर गया। अब हम इसको जबरदस्ती डुबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने डुबाने की कोशिश किया, फिर से तैर गया, फिर से डुबाने का मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ ये तैर रहा। और हो ये रहा है, जब मैं इसको अंदर की ओर डुबाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो नीचे से ऐसा लग रहा है कि नीचे से कोई इसको ठेल रहा है, ऊपर की ओर ये धक्का कोई लगा रहा है, मतलब कि नीचे से कोई इसमें फोर्स लगा रहा है। तो ये जो नीचे से जब हम लोग इसी से, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जब भी हम इस थर्माकोल को नीचे की ओर घुसा रहे हैं, नीचे की ओर पानी के अंदर डिप कर रहे हैं, तो नीचे से एक फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को कहते हैं बॉयंसी और बॉयंट फोर्स, ठीक है। जो नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी फ्लूइड में जाता है, मतलब लिक्विड में जाता है या गैस में जाएगा, तो नीचे से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, ओके। तो जो ये रिएक्शन फोर्स लगता है नीचे से फ्लूइड के द्वारा या वाटर के द्वारा, इसी को बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे, बाकी प्रैक्टिकल से मैंने दिखा दिया। अब हम लोग समझते हैं बॉयंसी का। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन ए थर्माकोल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब जो थर्माकोल था उसमें भी तो मास था, वो मास के कारण उसमें वेट हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर एग्जर्ट कर रहा है, नीचे की ओर उसका फोर्स है, ठीक है, वेट है। अब जो वाटर है वो अपथ्रस्ट, जैसे मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में दिखाया, वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, ओके, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। और जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसके कारण वो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ओके। तो यहां पे हो ये रहा है कि जो नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है फ्लूइड के द्वारा, वाटर के द्वारा, वो ज्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से, ठीक है। इसीलिए तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर तैर जा रही है, ठीक है। जब हम लोग उसको थर्माकोल को छोड़ा, हाथ हटाया, तो वो ऊपर की ओर चल गई। क्यों चल गई? जो ऊपर से ऑब्जेक्ट का जो वेट लग रहा है उससे ज्यादा नीचे से उसमें फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट ऊपर में तैर गई। और इसी पूरे कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं बॉयंसी या उत्प्लावन, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर आना, नीचे से ऊपर की ओर जो तैरने का जो प्रोसेस है, मतलब कि नीचे से जो फोर्स है, ऑब्जेक्ट के जो वेट लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स अगर नीचे से लगा रहा है, तो उसी को हम लोग बॉयंसी या बॉयंट फोर्स कहेंगे। अब यहां पे समझने का ये है कि बॉयंसी और बॉयंट फोर्स में कि जितना भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, ठीक है, कैसा भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर आप उसको किसी फ्लूइड में डालते हो, मतलब वाटर में डालते हो या किसी भी लिक्विड मीडियम पे डालते हो या एयर वाले मीडियम पे डालते हो, तो उसमें नीचे से फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस पे बॉयंट फोर्स लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। हो सकता है कि हम, मैंने थर्माकोल डाला तो उस पर नीचे से जो बॉयंट फोर्स था उस पर कुछ और लगा। अगर उसी साइज का मैं कोई आयरन का क्यूब डाल देता, आयरन का क्यूब ले लेता, उसको अगर मैं आयरन का टुकड़ा लेता उसको अगर डालता, तो हो सकता है वो तो आराम से डूब जाता, पता है, क्योंकि उसमें उतना फोर्स नीचे से नहीं लगा। तो ये चीज वेरी करेगा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये सबसे जरूरी चीज है। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर के डेंसिटी से ज्यादा डेंसर है
तो वो डूब जाएगा पानी में। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर के डेंसिटी से कम है तो वो ऊपर की ओर तैरने लगेगा, उसमें अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर वाटर के डेंसिटी से कम डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो ऊपर तैरने लगा। यहाँ पे मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम एग्जांपल ऑयल में भी ले सकते हैं या फिर किसी दूसरे मीडियम पे ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एक आयरन का टुकड़ा है, इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो आयरन का डेंसिटी वाटर से 7.5 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो आयरन का डेंसिटी ज्यादा है, वाटर का डेंसिटी कम है, जैसे ही आयरन को हम अगर हम लोग रखते हैं वाटर पे तो वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है वाटर के द्वारा वो कम है बनिस्पत की जो वेट लग रहा है उस आयरन क्यूब के द्वारा, ठीक है, इसलिए आयरन डूब जाएगा। ओके, क्योंकि डेंसिटी भी यहाँ पे ज्यादा थी आयरन की। अगर हम लोग मीडियम को मर्क्यूरी से बदल देते हैं, वाटर को के जगह अगर हम लोग मर्क्यूरी ले लेते हैं, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और उसमें अगर हम लोग आयरन का क्यूब डालते हैं तो वो आयरन का क्यूब तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी का डेंसिटी आयरन से ज्यादा होता है और अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पे आयरन पे ज्यादा लगेगा आयरन क्यूब पे एज कंपेयर टू उसके वेट से। वेट से अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा, इस कारण ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा, और यहाँ पे डेंसिटी भी मर्क्यूरी की ज्यादा होती है और आयरन की कम होती है, इसी कारण से ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप उम्मीद करता हूँ आपको बॉयंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।